नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके मनपसंद चैनल पर। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही स्वादिष्ट राजस्थानी रेसिपी आलना। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी है ये और बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है और मेरी फेवरेट है। दोस्तों एक बार मेरे कहने से जरूर बनाएं आप इसे। तो दोस्तों बने रहें तक इसकी रेसिपी जानने के लिए। तो इसके लिए दोस्तों हमने 3 से 4 तरह के पत्ते लिए हैं। मैं बताता हूँ आपको, गाजर के पत्ते हैं ये देखिए, चने के पत्ते हैं ये कच्चे लेने हैं हमें और इन्हें साफ करके रख लिया है मैंने, बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे आपको। ये है बथुआ, मेथी और पालक, यानी 4-5 तरह के पत्ते जो हैं ये आपको लेने हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने बाजरा भी लिया है। अब दोस्तों इन सभी पत्तों को हम अच्छे से धोएंगे पानी में और इन्हें छोटे टुकड़ों में काट कर रख लेंगे। ये देखिए दोस्तों, सभी पत्ते हमने काट लिए बारीक और उसके साथ ही 3 से 4 हरी मिर्च भी हमने बारीक चॉप कर ली है और 1 लहसुन की गांठ जो है वो हमने छील कर रख ली है। इसके साथ ही दोस्तों हमने एक बाउल में 2 ग्लास पानी जो है गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी गर्म हो चुका है दोस्तों हमारा, और उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और जो फाइनली चॉप करके हमने हरी मिर्च और लहसुन जो काट के रखे हैं वो सभी हमने डाल दिए हैं। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और उसके साथ ही हम डालेंगे जो हमने बाकी सब्जियां या पत्ते जो हमने काट के रखे थे वो सभी हम इसमें डाल देंगे। अब डालेंगे दोस्तों इसमें स्वादानुसार नमक और इसे अच्छे से मिक्स करके और उबलने देंगे। अब दोस्तों जो हमने बाजरा लिया है 1 बाउल, उसे हम मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करते हुए ध्यान रखेंगे दोस्तों कि हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना है इसे। ये देखिए इस तरह का हल्का दरदराई रखना है, बिल्कुल बारीक कर रहे दोस्तों इसका टेस्ट जो है उतना अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए दोस्तों सब्जी में उबाल आ चुका है हमारे और अब इसमें हम डालेंगे बाजरा, बाजरे का जो हमने मिक्सर तैयार किया है मिक्सी में वो हम डालेंगे इसमें और दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और स्वास्थ्य के लिए भी उतनी लाभदायक होती है ये। इसके साथ ही डालेंगे दोस्तों इसमें 2 ग्लास पानी और अब इसे दोस्तों हम 3 से 4 सीटी लगने तक पकने देंगे। गाँव में तो दोस्तों हम इसे चूल्हे पर या सिगड़ी पर रख देते हैं, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है उससे इसका, लेकिन शहर में दोस्तों कुकर में बना रहे हैं हम इसे आराम से, नहीं तो गांव में खुल्ला ही पकाते हैं। तो कुकर बंद करके हम इसे पकने देंगे। दोस्तों ये देखिए 3 से 4 सीटियां लग चुकी है इसमें और अब हम इसे थोड़ा खुला पकाएंगे 1 मिनट के लिए और बड़ा अच्छे से तैयार हो चुका है आपका ये आलना। ये देखिए अच्छे से घुट चुका है, देखिए पूरी तरह से। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट बनता है दोस्तों आलना आपका, और अगर आप दोस्तों इसे एक बार खाएंगे तो मेरी गारंटी है दोस्तों आप इसे बार बार जरूर बनाकर खाएंगे क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट बनता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।